Assalamualaikum guys, welcome back to Ugly Says. तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे. एंड सॉरी कि मैं कुछ लोगों को ऑफेंड कर रही हूँ इट्स कद्दू जैसे फेस के साथ, पर क्या करूँ, मेरा अपना है. अब उसका कुछ मैं कर नहीं सकती, अल्लाह ने बनाया है मेरा मुँह, उसको ठीक रखना है ना रखना वो मेरे पे डिपेंड करता है. सो आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा. अभी मेरा इसको ठीक कर रखने का मूड नहीं है. सारे घर में बात है, पर देखिए आपके लिए पंखा बंद किया. अच्छा, तो अगली बात ये थी कि आज हम क्या करने वाले हैं. आज हम फॉक्सी आई मेकअप लुक करने लगे हैं. मेरे नेल पेंट्स उतर चुके हैं, लाइक सीरियसली. एंड आई एम लाइक, पहले के लिए मुझे नजर आया, सॉरी इग्नोर दैट. अब सीन कुछ यूँ है कि मुझे फॉक्सी आई मेकअप करना है, बट मेरी आंखें तो उस शेप में है ही नहीं, मतलब स्पेशली मेरी ब्राउज, क्योंकि फॉक्सी आई बेसिकली, मैं अगर क्लैरिफाई करूँ तो फॉक्सी आई लुक आजकल बहुत फेमस मॉडल्स कर रही हैं, और पाकिस्तान में क्या जो है पूरी दुनिया में आजकल ये एक ट्रेंडिंग मेकअप लुक है और लोग ट्राई कर रहे हैं. सो मैंने कहा कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ. नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो जाता, ट्राई करना की जाता है. तो इग्नोर माई हेयर, बाय द वे अभी भी हेयर निकल रहे हैं तो ऐसे ही हालात है. मैंने अपनी हेयर लाइन जो बर्बाद कर ली थी. तो करना कुछ यूँ है कि मैंने अब अपनी क्या कहते हैं फॉक्सी आई बनानी है. सो उसके लिए कुछ ना कुछ तो पंगे लेने पड़ेंगे, और वो पंगे अजीबोगरीब पंगे होने वाले हैं. लाइक पंगों से मरा, आप देखिए मेरी जो है यूजुअली जो ब्राउज होती हैं फॉक्सी आई, मैं आपको कुछ और बता रही थी, वैसे मैं किधर पहुंच जाती हूँ. बेसिकली फॉक्सी आई लुक अब ये न्यू टर्म बन चुकी है, ठीक है. पहले ये कैट आई लुक होता था, ठीक है, और वो बारीक बारीक सी आँखें होती थी. अब मेरी बटन जैसी आँखें तो उन पर ये काम करना थोड़ा मुश्किल है, मगर जो यूजुअली ये लाइक सिंच्ड आइज होती है, ऐसे ऐसी खिंची हुई आँख होती है, तो अब मैं ऐसी आँखें तो नहीं कर सकती, जिसको बिल्ली आँख कहते हैं ना, बचपन से सुना है बिल्ली आँखें ऐसी वाली. सो वो आँख बनानी है, बट मेरी ब्राउ शेप डिफरेंट है, ठीक है, और मेरी टेल ज़्यादा है. यूजली या तो इस लुक के लिए लोग या तो ब्राउ उड़ा देती हैं, ब्राउ टेल उड़ा देती हैं, या वो ब्राउ जेल जो ये ब्राउ सोप न्यू चीज़ जो आ गई है उसके थ्रू ये लाइक ऊपर करती हैं. अगर आपके पास नहीं होती लाइक मैं दो तरीके अभी ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं क्या बनता है. एक तरीका नहीं हुआ तो दूसरा तरीका आजमाया जाएगा. पहला तरीका ये है कि ग्लू लगा के जो है क्या कहते हैं इनको लाइक सोप की जगह अब ग्लू लगा के इसको अपवर्ड मोशन में इनको ऊपर की तरफ प्रॉपर वे में प्लेसिंग करेंगे आईब्राउज को. अगर नहीं हुआ तो फिर शेव करेंगे. सो अब हम देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. So guys, आप देख सकते हैं मैंने जो पहले तो शेव की, मैंने पहले दूसरा मेथड करने की कोशिश की थी, बट फिर मैंने कहा कि हम शेव ही कर लेते हैं पहले. लाइक पहले मैंने दूसरा मेथड करने की कोशिश की ग्लू वाला, फिर मैंने कहा ग्लू बहुत स्टिकी हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट शेव की. मैंने टेल्स जो है लाइक पूरी रिमूव नहीं की, यहाँ से थोड़ी रिमूव की, यहाँ से मैंने उसका हाफ एरिया जो टेल्स, सॉरी नेल को गौर ना करें,
लाइक मैं भूल गई थी नेल पेंट रिमूव करना, तो लाइक ये एरिया यहाँ पे मेरे लाइक ब्राउ हेयर थे, मेरे नेचुरली यहाँ पे थे, तो मैंने ये एरिया लाइक मैंने अपने ब्राउ बोन का एरिया वाइड किया, वाइडर एरिया दिया है, और उसको लाइक टेल को शॉर्ट किया, और क्योंकि आँख वाइड होगी मेरी तो काफ़ी मेरा सिंच लगेगा। असल में मेरा माथा छोटा है, और यदि आपको बेबी हेयर भी खूबसूरत खूबसूरत नज़र आ रहे होंगे, तो माथा जब है ही छोटा तो मैं उसको लाइक और खींच नहीं सकती, लिफ्ट नहीं दे सकती, तो इससे ज़्यादा मैं कोई लिफ्ट नहीं दे पाऊँगी। ठीक है अपनी आईज को, अब हम चलते हैं आई मेकअप पे। हम आई प्राइमर पहले लगा लेते हैं ताकि वो एक बेस बन जाए हमारी, तो हम फुल कवरेज कंसीलर ये यूज़ करेंगे। सॉरी मैं आपको बहुत हरेबल लग रही होंगी, हरेबल बट क्या करें, हम है ही ऐसे, सो मैं भी लगाऊंगी। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी, मिस्टर्स के फेस पाउडर से एक दफ़ा सेट कर लूँगी अपनी आईलिड्स को, ताकि हम इस पर चीज़ें लगानी शुरू करें। मेरे पास एक ही जेल आईलाइनर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं, और ये एंगल ब्रश है मेरे पास, मिनी मिनी एंगल ब्रश, ये कोई जैपनीज ड्रग स्टोर ब्रांड है, मुझे नहीं पता, तो उसका नाम मुझे आता नहीं है, तो वही जापानीज़ है कि चाइनीज़ है, जो भी है भाई है ना, बात ख़त्म, हमें काम चलाना है, वही करेंगे हम। सो इससे पहले मैं अपनी जो है यू नो मेजरमेंट्स जो होती हैं वो लेनी पड़ती हैं आँखों के इर्द गिर्द, तो वो कर लूँ। सो मैं इधर लोअर लैश लाइन पे जेल आईलाइनर लगा के मार्क करूँगी कि कहाँ तक मैंने जाना है। सबसे पहले मैंने अपनी आईज़ के आउटर कॉर्नर पे जेल आईलाइनर से मार्क किया, उसके बाद मैंने अपनी हाफ लिड तक लाइनर लगाया, और उसके बाद उसको ब्लेंड किया है फ्लफ़ी ब्रश के साथ, और जब वो अच्छी तरह ब्लेंड हो गया, एक प्रॉपर शेप बन गई है, तो उसके बाद मैं ये मॉर्फी की पैलेट से ये जो है ये ब्राउन शेड यूज़ करूँगी। अवल तो मुझे इसका नाम नहीं पता क्योंकि नेम्स नहीं लिखे हुए, तो मैं अपनी क्रीज लाइन के आउटर कॉर्नर पे ये ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे कट क्रीज का एक इफेक्ट देना है अपने आईज़ पे। फिर मैं ये लाइटर शेड यूज़ करूँगी एज ए बेस, मैं अपनी जो बाकी लिड है उस पर आई लिड है उस पर मैं ये कलर अप्लाई करूँगी। अब मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है, और ये मैं अपनी क्रीज लाइन पे आउटर कॉर्नर के साथ ही जो मैंने ब्राउन शेड लगाया था उसी में ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद मैं ये लाइट पीची शिमरी शेड यूज़ करूँगी बाकी उसी एरिया पे जहाँ पे मैंने वो बेस टोन लगाई थी, वो मैट में थी, ये शिमर टोन में थी, तो ये उसको कवर करने के लिए काफ़ी अच्छी टोन थी। अब जो मैंने सारा ब्लेंड किया हुआ आई शेड था उसके ऊपर आईज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए दोबारा से आईलाइनर लगा रही हूँ। अब मैं अंडर आई एरिया पे कंसीलर लगाऊंगी, और फिर मैं कंसीलर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, और साथ ही साथ अपने फेस पे फाउंडेशन लगा के प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने करना ये है कि मैंने अपनी जो इनर कॉर्नर वाला एरिया है वहाँ पर ट्राइंगल शेप बनानी है, अपनी आई की शेप बनानी है ताकि वो फोक्सी आई लुक दे, क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी डिफरेंट शेप की हैं, तो उनको इस तरह खींच के सिंच आई बनाना थोड़ा मुश्किल था। मैंने बड़ी ट्राई की कि दोनों लेवल पे आ सकें, मगर वो यू नो थोड़ा बहुत रह जाता क्योंकि मेरी एक्चुअल आई की शेप नहीं है ऐसी, बारीक आँख नहीं है, तो वो उसको ऐसे करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है,
ठीक है. सो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी ट्राइंगल की शेप आ सके. फाइनली आइज कम्प्लीट हो गई. किसी ना किसी तरीके से हमने बना ही ली वो ट्राइंगल शेप जो कि नहीं लग रही थी. अब हम पाउडर लगा लेंगे मुंह को एज यूजुअल यही वाला. तो अब हम ब्राउनिंग कर लेंगे जो कि मेरे पास ब्राउनर नहीं है. तो आज मेरा कोई मूड नहीं था वो अपनी मिस रोज की पैलेट यूज करने का जो ब्राउ पेंसिल वाली है. ब्राउ शेडो वाली है वो वाली नहीं यूज करनी. तो आज मैं मॉर्फी में से ही लगाऊंगी कोई न्यूट्रल शेड. कौन से लगाऊं ये वॉर्म थोड़ा सा क्या बोला इससे कंटूरिंग कर लेंगे हम. अच्छा अब मैंने जाहिर सी बात है आईज ऐसी बनाई है तो मुझे बनाना भी ऐसे है. लाइक मैं मार्क कर रही हूँ फिर उसके बाद उसको मैं ब्लेंड कर लूंगी. मैं ब्लेंड करती हूँ. Okay, बहुत ज्यादा ब्राउन और न्यूट्रल टोन्स हमने लगा ली हैं तो अब हम थोड़ा कूल ब्लश लगा लेंगे जो कि मैं तोड़ चुकी हूँ. नया ब्लश था वो तोड़ दिया है बाय द वे. ये वाला ब्लश लगा ठीक है जस्ट गोल्ड का और वो मैं लगाऊंगी वो सारा फैला हुआ नीचे तो मैं आपको दिखा नहीं सकता. नजर आ रहा है कितना पिगमेंट है. ये भी इसी एंगल में लगाना है. फिर गिरा हुआ था तो इसलिए ज्यादा आ गया हाथ में. हालांकि कूल टोन है मगर अब ये बहुत ज्यादा लग गए थे बम हो गया. अभी हम इसको कर ही लेंगे कुछ ना कुछ करके हल्का. देखा ना यहाँ सही लगा हम हल्का कर लेते हैं इसको बूटी ब्लेंडर से थोड़ी नाक पे लगा लेते हैं. ऐसा लगा नाक पर भी किसी ने मुक्का मारा है. अब हम क्या करने वाले हैं अब हम हेलेटर को लगाएंगे. हेलेटर वेयर इज माय हेलेटर. ये वाला शेड लूंगी जिसका मुझे नाम इस वक्त नहीं समझ आ रहा कि इसको बोलना क्या है बट जो भी है समझ आ रही है बात खत्म. किधर में शीशा भी नहीं मिलता. अच्छा अब मैं अपनी आईज के इनर कॉर्नर पे जो अपने आई लाइनर से ट्राइंगल शेप बना रही हूँ क्योंकि वो शार्प और क्रिस्प आई बनाने के लिए वो ईगल आई लुक देना पड़ता है. अव्वल तो ये फॉक्सी आई है मगर उसमें भी सेम ऐसे ही पॉइंटेड जो इनर कॉर्नर बनाना पड़ता है ट्राइंगुलर शेप के साथ. अब लिप्स की बारी. सर लिप्स पे मैंने ये कलर डायरी का लिप ग्लॉस लगाया है सिंपल. मैंने और कोई शेड नहीं लगाया. ये टिंटेड लिप ग्लॉस था 03 नंबर का. मैंने यही सिर्फ लिप्स पे लगाया उसके अलावा मैंने कोई चीज़ अप्लाई नहीं की. अब मस्कारा की बारी है. मैंने एसेंस का मस्कारा लगाया है और वाटर लाइन पे मैंने मिस रोज का वाइट क्रेयॉन यूज़ किया है. So guys, this is my final look.
मैंने दोनों तरीके से फाइनल लुक करने की कोशिश की, बाल खोल के भी और बाल बांध के भी, और ज़्यादा ही लाइक बंधे हुए बालों पे ही मेकअप सूट करता है। प्रॉब्लम ये है जैसा का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, ना हाई पोनीटेल और ना ही हाई बंस बन सकते। मेरे हेड की जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो इस वजह से जितनी भी चीज़ें मैं लाइक हाई पोनीटेल करूं या मैं क्या कहते हैं हाई बन करूं, वो मेरे पे सूट नहीं करता, मेरे यहाँ से बाल खड़े हो जाते हैं, अजीब सा है मेरा। तो इसलिए ना वो अब यहाँ पे एक वो जो पुफ होता है ना वो आ नहीं पा रहा। सो इस तरह फिर भी लाइक आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी आईज़ कैसी लग रही हैं। बाल खोल के मैंने ट्राई किया था कि फाइनल वो एक लुक दूँ, बट वो इतना क्योंकि वो फॉक्सी आई है तो वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए वैसे भी ऐसे सिंच्ड आईज होनी चाहिए। तो ये ना तो एक एक तो लाइक एक आपकी नॉर्मली जो हेयर स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप इस तरह खींच के रखें, लाइक मैं जितना मर्जी खींच लूँ, मैंने खींच के बांधे थे, वो फिर लूज हो जाते हैं। सो बालों के साथ साथ आपकी आईब्रोज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी आईज कैसी होनी चाहिए। लाइक आईब्रो आपके फीचर्स को वाकई चेंज कर देता है, अगर आईब्रो को आप थोड़ा सा भी चेंज करो तो लाइक वो अलग बात है कि मेरा बहुत बड़ा आ रहा है, बट जो है काफ़ी हद तक मेरा जो है लुक चेंज हुआ है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, अब मेरी आंखें उस शेप में नहीं हैं तो मैं नहीं उस तरीके से कर सकती। और मैंने आपको बताना था कि ये देखें, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लाइक वो क्रिस्पी और शार्प आई के लिए दिया था, मगर ये देखें मेरा वो मार्कर जो था लाइक आईलाइनर मार्कर वो ज़्यादा लाइक वो लग ही नहीं रहा था। आई डोंट नो वो यहाँ पे अच्छी तरीके से लग ही नहीं रहा था, लाइक वो मर्ज हो रहा था उसके अंदर। सो लाइक मैं एक तो मेरी आँख की शेप भी वैसी नहीं है, थोड़ा गैप नहीं है कि मैं आसानी से नहीं, क्योंकि मेरी यहाँ पे हल्का सा वो जो संकन आइज़ की वजह से फोल्ड पड़ता है, ये आप देख सकते हैं कि मेरे संकन आइज़ की वजह से वो फोल्ड पड़ता है, तो उस पर वो मैं ट्राइंगल शेप नहीं दे सकती ज़्यादा, अगर ज़्यादा दूंगी तो वो अजीब लगेगा। जितनी मैंने कोशिश की ट्राई की कि वो आ जाए, वो हल्का सा एक इल्यूजन नज़र फील हो रहा होगा आपको, नज़र आ रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा वो लाइक मैं कोई भी आईलाइनर लगाने की कोशिश करूँ ना यहाँ पे, चाहे लिक्विड क्यों ना, वो नज़र नहीं आता मेरी आँख पे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मे बी कोई दूसरा लगाए तो शायद वो नज़र आ जाए, मगर मेरे एंगल से वो लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैंने वो अभी न्यू लिया है, लाइक वो मेरा अभी न्यू लाइक आईलाइनर मार्कर है, और वो भी लाइक चलना बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जो आई शेड की पिगमेंट है उस पर अगर हम लगाएं आईलाइनर लगाएं तो वो उसका ब्रश बर्बाद क्यों हो जाता है। मतलब जेल आईलाइनर या वाटर की आईलाइनर आराम से जो चल जाता है, एक्वा आईलाइनर आराम से चल जाते हैं, या नॉर्मली जो है नॉर्मल आईलाइनर जो होते हैं वो वाले भी चल जाते हैं, उनकी टिप्स भी चल जाती हैं, पर ये जो मार्कर वाली इनकी टिप काम करना बंद कर देती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसका भी मुझे कोई पता नहीं। किसी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो ना ज़रूर तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो ये मैंने इसलिए बाल फिर बांधे, पहले मैंने बाल खोल के किया, तो फिर मुझे ये लगा कि वो लुक सही तरीके से आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरी आईब्रो की शेप भी चेंज है और आपको फॉक्सी आई शेप भी नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसके लाइक इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे ही मेन बेसिक शेप इसकी बनानी होती है। सॉरी अबाउट द आईलैशेस गाइस, मैंने अपनी तरफ से ना लगा ली जल्दी से, मैंने कट नहीं की उसके एजेस, और वो मुझे इरिटेट भी कर रही थी, मैंने वैसे उतारी नहीं है, मुझे इरिटेट बहुत कर रही है, वो लगी गलत एंगल पे कि वो उधर ही खुश्क हो गई हैं, उधर ही वो ड्राई होके उधर की उधर ही रह गई हैं, मैंने उनको छेड़ा भी नहीं फिर, तो वो मुझे इरिटेट मुसलसल कर रही हैं। और दो चीज़ों की मैं क्लिप डालना भूल गई, मतलब कि रिकॉर्ड करना भूल गई, वो ये कि मैंने अपनी जो है क्या कहते हैं वाटर लाइन पर वाइट क्रेयॉन यूज़ किया है एज यूजुअल मिस रोज़ का,
और उसके अलावा ही मेरे पास ग्लिटर आईलाइनर था, वो मैंने नीचे लगाया। वो बस वैसे ही मैं ट्राई करी थी, तो वो असल में इस लुक का हिस्सा नहीं था, बट वो अब हो गया। सो अब आप इसको जज करके बताएं कि आपको लग रहा है कि नहीं मेरी ये असल में लाइक फॉक्सी आई जो है ना, वो बिल्ली आंखें हैं बेसिकली। पुरानी टर्म कैट आई, पुरानी टर्म कैट आई है इसकी। सो अब की फॉक्सी है, अब की है फॉक्सी। लाइक फॉक्सी वो इस सेंस में लेते हैं कि सैसी, सेक्सी, क्लेवर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी के लिए वो फॉक्सी वर्ड अब यूज करते हैं। कैट भी वही चीज, कैट भी वही चीज थी यार। पता नहीं क्यों पुराने टर्म्स को बदल के न्यू बना दिया जाता है। यू कैन सी द होल लुक। आपको अपना बालों के साथ वाला मॉन्टाज भी आपको दे दूंगी। बाय द वे मैंने बेस, शेयर बेस यूज की थी मैंने, ज्यादा लाइक मीडियम कवरेज नहीं यूज की। सो मे बी आपको थोड़ा वो डल इफेक्ट लग रहा हो, मगर जो है ये मेरा फॉक्सी आई लुक था। सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये मेरा फॉक्सी आई लुक था। जितनी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने उतना करने की कोशिश की कि मेरी आंखें वैसे लगें। सॉरी अबाउट द आई लैशेज, उनको इग्नोर करें, बट यू हैव टू फोकस ऑन द मर्जिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ द शेड्स। सो अब आप बता सकते हैं कि वैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने कोशिश की है कि वो वैसा लगे। वो लग बात है कि मेरी आँख की शेप वैसी नहीं है, तो उसमें वो लाइक 100% तो वो वैसी नहीं लग सकती। तो जितनी मैंने कोशिश की उसके अकॉर्डिंगली वो वैसी हो गई है काफ़ी हद तक। अब भैया आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्योंकि मेरी आंखों का लुक थोड़ा बदला है आईब्रोज की वजह से। सो आपको क्या लगता है? यू ऑल्सो कैन शेयर योर पर्सपेक्टिव एंड थाट्स अबाउट दिस लुक। तो मैं चलती हूँ, हमने बहुत लंबी एंडिंग कर दी है। सो अब हमें चलना चाहिए। और काइंडली आप इस लुक के बारे में बताइएगा। वो अलग बात है मेरा मूड कद्दू जैसा है, मगर फिर भी यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट द मेकअप। सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो न्यू हैं, और जो पुराने लोग हैं उनको तो देखना ही है वीडियो, और लाइक भी करनी है, और प्लीज़ आगे शेयर भी कर दीजिएगा कि कोई और देख ले। ठीक है, ओके अब मैं चलती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। See the horizon, turn us to thousands.